प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदिनी की, जो भारत की महान फिल्मों में से एक है, और चर्चा करेंगे इस फिल्म के निर्देशन, छायांकन, गीत संगीत, कहानी, पटकथा और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। खास तौर से इस वीडियो में हमारा ध्यान रहेगा कि किस तरह से संगीत और गीत इस फिल्म की कहानी को आगे ले जाते हैं और महान बनाने में मदद करते हैं। बंदिनी फिल्म 1963 में रिलीज हुई। इसके मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, नूतन और धर्मेंद्र। यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जीता और 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमाटोग्राफर और बेस्ट स्टोरी, ये सारे अवार्ड सम्मिलित थे। इस फिल्म का निर्देशन किया था बिमल रॉय ने। बिमल रॉय भारतीय सिनेमा के महानतम निर्देशकों में से एक हैं। इन्होंने 2 बीघा जमीन, देवदास, सुजाता और मधुमती जैसी फिल्में बनाई थी। बंदिनी उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। बिमल रॉय छायांकन के जादूगर थे। वह दृश्यों को इस तरह से दिखा देते थे, सीन का जो भाव था दर्शकों तक पहुंच जाता था। इस वीडियो में हम जब कहानी पे चलेंगे तब उन सीन्स की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। इस फिल्म की कहानी लिखी थी चारू चंद्र चक्रवर्ती ने। उनकी लिखी किताब तामसी पर यह फिल्म आधारित थी। चारू चंद्र चक्रवर्ती अंग्रेजी राज में जेल के सुपरिटेंडेंट के पद पर कई जेलों में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें अनुभव था। अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जेल की पृष्ठभूमि पर बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से तमाशा, न्यायदंड और तामसी मुख्य हैं। इन कहानियों ने जेल की पृष्ठभूमि पर बने हुए एक नए तरह के साहित्य जगत की संरचना की, जो भारतीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी की पटकथा लिखी थी नबेंदु घोष ने, जिन्होंने पहले देवदास और मधुमती की पटकथा भी लिखी। संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने, जो उस समय के महानतम संगीत निर्देशक थे। गीत लिखे थे शैलेंद्र ने, जो खुद भी उस जमाने के महानतम गीतकार थे। एक गीत गुलजार ने लिखा था। मेरी नजर में गुलजार शैलेंद्र के सही उत्तराधिकारी भी माने जाएंगे, जिन्होंने उत्तम गीत लिखने की परंपरा को जारी रखा। फिल्म बंदिनी में मुख्य पुरुष कलाकार थे अशोक कुमार, जो अपना नाम पहले ही बना चुके थे और बहुत सी महत्वपूर्ण फिल्मों में काम कर चुके। दूसरे मुख्य पुरुष कलाकार थे धर्मेंद्र, जो अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में बना रहे थे। महिला कलाकारों में नूतन का चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस फिल्म में। अगर इस फिल्म की देह और आत्मा नूतन को कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह फिल्म नूतन के किरदार कल्याणी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म का टाइटल बंदिनी कल्याणी के भौतिक और मानसिक परिवेश दोनों को दिखाता है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। बंदिनी 1930 से 40 के बीच के भारत की कहानी है। उस वक्त भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक महिला जेल से, जहां कुछ नई महिला कैदी किसी दूसरे जेल से इस जेल में ट्रांसफर होती है। इस जेल में धर्मेंद्र, जिनका नाम फिल्म में देवेंद्र है, वह एक युवा डॉक्टर हैं जो जेल के कर्मचारी हैं। जेल में एक महिला कैदी की तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र को बुलाया जाता है। धर्मेंद्र जांच करने के बाद कहते हैं कि उसे टीबी होने की आशंका है और उन्हें वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। वार्ड में जाने के लिए आवश्यकता है किसी केयर टेकर की, और उस केयर टेकर के लिए पूछने पर कोई महिला कैदी तैयार नहीं होती, तो पीछे से एक आवाज आती है कि मैं तैयार हूं। वहां पहली बार हम नूतन को देखते हैं, कल्याणी को देखते हैं। इस सीन में रोशनी का बहुत बेहतरीन प्रयोग हुआ है, जिसके अंदर बिना किसी मेकअप के हम नूतन को देखते हैं। एक डरी हुई, सहमी हुई लेकिन दृढ़ महिला वहां खड़ी है और वो कह रही है कि मैं तैयार हूं जाने के लिए। उसके बाद नूतन बीमार महिला कैदी की देखभाल में लग जाती हैं। धर्मेंद्र उनका इलाज कर रहे हैं और उस दौरान धर्मेंद्र कल्याणी को देखते हैं और देखते देखते उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अपने मन की भावना कल्याणी को बताते हैं।
कल्याणी बिल्कुल भी धर्मेंद्र के प्रति आकर्षित नहीं होती और वो दूर दूर रहती हैं। यहां सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन का कमाल देखिए। जब धर्मेंद्र नूतन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस समय एक ही फ्रेम में दोनों को दिखाया जाता है। आगे चल के जब नूतन धर्मेंद्र के प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर देती हैं उस फ्रेम में दोनों अलग अलग फ्रेम में दिखते हैं, जैसे कल्याणी दरवाजे के पीछे है या कल्याणी खिड़की के उस तरफ है या कल्याणी दूसरी तरफ है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो एक साथ होना और अलग अलग होने का सटल यानी कि छुपा हुआ सा एक अंदेशा दर्शक को डायरेक्शन के माध्यम से मिल जाता है। यहां पर एक गीत आता है और खूबसूरती देखिए कि इस गीत में एक तरफ धर्मेंद्र ने अपने प्रेम का इजहार किया है और दूसरी तरफ ये गीत नूतन पे नहीं फिल्माया गया है, ये गीत फिल्माया गया है एक दूसरी महिला कैदी पर जो खिड़की के सलाखों के पीछे बैठी है। वो देख रही है एक पक्षी की तरफ और पक्षी को देख करके कह रही है, ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली। कंपेयर कीजिए धर्मेंद्र के निवेदन से कि ओ पंछी प्यारे तू प्रेम की बातें कर रहा है, तू कौन सी बोली बोल रहा है। गीत में आगे आता है, मैं तो पंछी पिंजरे की मैना पंख मेरे बेकार बीच हमारे सात रे सागर कैसे चलूं उस पार। यानी तुम मुझे प्रेम का इजहार कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि हमारे बीच सात सागर हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। मैं तो पंछी पिंजरे की मैना पंख मेरे बेकार बीच हमारे सातरे सागर कैसे चलूं उस पार, कैसे चलूं उस पार। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। इस गीत के बाद कल्याणी देवेंद्र के निवेदन को अस्वीकार कर देती है। देवेंद्र बहुत दुखी होते हैं और अपने जेल के काम को छोड़ करके अपने घर वापस चले जाते हैं। इस दौरान कल्याणी की जेल में जो सहेलियां हैं वो उसे बताती हैं, समझाती हैं, लेकिन कल्याणी कहती है कि मेरे जीवन के पीछे मेरा अतीत है जो बहुत भयानक है और मैं अपने जीवन से उस एक भले मनुष्य के जीवन को खराब नहीं करना चाहती। उस समय और उस परिस्थिति की महिला के मनोभावों को यह सीन दर्शाता है। और इसके बाद एक और गीत आता है जिसमें एक महिला कैदी गीत गा रही है, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए रे। यह गीत उत्तर भारत के लोकगीतों में से एक है जहां पर नई नवेली दुल्हन जब अपनी ससुराल आती हैं और अपने मायके को याद करती हैं तो वो ये गीत गाती हैं कि अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए रे। लेकिन जेल के परिवेश में ऐसा लगता है कि ये एक निर्गुण का रूप लिए हुए ये गीत है। यहाँ पर बाबुल जो है वो भगवान है, प्रभु है, और बुलावे का मतलब मृत्यु से लिया जा सकता है, मृत्युएषणा की तरफ ये गीत कहीं की ले जाता है कि जेल में बैठे हैं न जाने कितने साल रहना है, अब के बरस कृपया यमदूत को भेज दीजिए और मुझे यहाँ से बुला लीजिए। इस गीत में सारी जेल की कैदी जो है महिला कैदी वो दुखी हो जाती हैं और उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया। अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखिया दीजो
संदेशा भिजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। इसके बाद धर्मेंद्र जेल छोड़कर चले जाते हैं। जेलर जो धर्मेंद्र के रिश्ते में भाई लगते हैं, वो बुलाते हैं कल्याणी को और पूछते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया। एक डॉक्टर, एक भला मानुष जो उसे एक नई जिंदगी दे सकता था, उसके इस प्रस्ताव को क्यों नामंजूर किया। कल्याणी उसे अपनी कहानी सुनाती है, कहती है कि मेरा बाहर कोई नहीं है, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, मैंने हत्या की है, और कहते कहते रो पड़ती है। जेलर कहते हैं आप मुझे लिख करके बता दीजिए। तो कल्याणी लिख करके एक डायरी में अपनी पूरी कहानी जेलर को देती है और जेलर उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है। यहां से शुरू होता है फ्लैशबैक जो हमें कल्याणी के पिछले जीवन की ओर ले जाता है, और यहां हम देखते हैं एक दूसरे किस्म की कल्याणी को जो काफी चंचल है, युवा है, और उसके जीवन में एक उमंग है, उस तरह की कल्याणी को हम देखते हैं। कल्याणी एक पोस्टमास्टर की बेटी है। उनके बड़े भैया की कुछ साल पहले मृत्यु हुई है। उनके पिता को उनके भैया के मृत्यु का बहुत शोक है। ये लोग एक वैष्णव परिवार से हैं। यहाँ ये विष्णु भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना करते हैं, वैष्णव चर्चाएं करते हैं। दरअसल इस फिल्म के जो लेखक थे नबेंदु घोष, वह भी स्वयं वैष्णव परिवार से थे, तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन और अपने परिवार की परिकल्पना इस परिवार में की और वो चर्चाएं इसमें आती हैं। यहाँ कल्याणी अपने पिता की देखभाल करती है, साथ में एक परिवार का एक बच्चा भी है जो इनके साथ रहता है, उसकी भी देखभाल करती है और वो अपनी पढ़ाई में मशगूल रहती है। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। उसी दौरान उस गांव में एक क्रांतिकारी को नजरबंद किया गया है, और ये क्रांतिकारी है विकास घोष। अशोक कुमार ने उस रोल को अदा किया है। वह गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, गांव के लोगों से मिलना, बात करना उन्हें मना है। यहाँ कल्याणी अपनी दीदी के यहाँ मिलने जा रही होती है, तो वो देखती है कि लोग डर के भाग रहे हैं, और वहां पे विकास घोष को भी एक नजर वो देखती है। जब वो अपनी दीदी के यहाँ जाती है तो वहां पर उनकी दीदी का भाई जो स्वयं एक क्रांतिकारी है वो वहां आता है, दीदी को एक चिट्ठी देता है कि ये चिट्ठी विकास के पास पहुंचानी है। लेकिन उसके भाई के जाते ही पुलिस की रेड पड़ती है, तो दीदी जो है वो चिट्ठी कल्याणी को देती है और कहती है कि इसे तुम किसी तरीके से विकास बाबू के पास पहुंचा देना। तो कल्याणी अब आजादी के मूवमेंट में इन्वॉल्व सी हो जाती है। वो उस चिट्ठी को लेकर के पीछे के दरवाजे से निकल जाती है और अगले दिन पूजा के लिए फूल लेने के बहाने जहां विकास बाबू को नजरबंद किया हुआ है वहां जाती है और किसी तरीके से वो चिट्ठी विकास बाबू को पहुंचा देती है। विकास बाबू नजरबंद होते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी मुलाजमों से मिलने की इजाजत होती है। इस क्रम में वो पोस्टमास्टर जो कि सरकारी मुलाजिम है उनसे मिलने आते हैं और उनसे उनकी चर्चाएं होती हैं। इसी क्रम में विकास बाबू की मुलाकात कल्याणी से होती है। इस दौरान कई चर्चाओं में कल्याणी, विकास बाबू और पोस्टमास्टर जी शामिल होते हैं, और जाने अनजाने कल्याणी विकास बाबू की तरफ आकर्षित हो जाती है। इधर जब कल्याणी आकर्षित हो रही है विकास बाबू की तरफ, तो एक गीत फिल्म आया गया है, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। यहाँ जोगी विकास बाबू को कहा गया है। उस जमाने में जो गीत होते थे वो बिल्कुल स्ट्रेट या डायरेक्ट नहीं हुआ करते थे, वो इंगित होते थे। जिसके प्रति वो आकर्षित हो रही है उसको वो जोगी कह रही है। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए सांझ सकाले। आइए सुनते हैं इस गीत। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, हो जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, तो मेरे रंग गए सांझ सकारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, हो तो से मिलना ही जुल्ब भयारे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, देखी सावली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सावली सूरत तेरी छब देखी जब से रे।
तेरी छब देखी जब सिरे नैना जुड़ाए, भय बिन कजराए कजरारे। ओ जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए साँझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, हो तो से मिलना ही जुल्म हुआ रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। और उसी आकर्षण में वो जो प्रेम उसके मन में फूटता है, इस बात का अभिनय बहुत ही बेहतरीन किया है नूतन ने। एक गीत है जिसके अंदर यह दर्शाया गया है कि श्री कृष्ण से मिलने राधा जी जा रही हैं, उसी को इस गीत में दिखाया गया है। यह गीत लिखा था गुलजार ने। गीत कुछ इस तरीके से था। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दे। बहुत बेहतरीन ये गीत था। और इसके अंदर वो लाइनें हैं कि एक लाज रो के पैया एक मोह खींचे बैया। लाज पैर रोक रहा है और मोह बांह खींच रहा है। बहुत खूबसूरत बन पड़ा है, जरूर सुनिएगा। और इसके बाद विकास बाबू की तबीयत खराब होती है और वो आकर के कल्याणी के घर पर उसी के कमरे में रुक जाते हैं। कोई पुलिस के लोग देख लेते हैं, वो लोग लांछन लगाते हैं और लांछन से बचने के लिए विकास बाबू ये कहते हैं कि कल्याणी उनकी पत्नी है। कल्याणी और विकास बाबू का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वो उसे पत्नी मान चुके हैं, कल्याणी भी मान चुकी है। विकास बाबू को दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाना है, इस वजह से विकास बाबू वापस आने का वादा करके चले जाते हैं। इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। कल्याणी बहुत सारी चिट्ठियां लिखती है, लेकिन न चिट्ठी का जवाब आता है और न विकास बाबू वापस आते हैं। समाज में जग हसाई होती है और उस जग हसाई से परेशान होकर के कल्याणी अपना घर छोड़ करके चली जाती है। कल्याणी के जाने के प्रकरण को एक गीत के माध्यम से सुनाया गया है, सुनिए ये गीत। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये गीत आमतौर पर विदाई के वक्त उत्तर भारत में लोकगीतों में गाया जाता है कि आप जा रही हो लेकिन आप हो सके तो आप लौट के आना, ये घाट और बाट भूल न जाना। लेकिन इस गीत में जो बैकग्राउंड का कोरस है वो इतना दर्दनाक है जिससे लगता है कि ये जाने वाला वापस कभी नहीं आएगा, किसी और ही रूप में दिखाता है। यहां भी शैलेंद्र के लेखन की खासियत देखिए। कल्याणी के इस गांव को छोड़कर के जाने और वापस आने की बात में शायद यहां भी किसी के मरने और दूसरे लोक से वापस आने की चर्चा भी है, तो एक तरह का निर्गुण यहां पर भी नजर आता है। इसको गीत लेखन की कला का महारत कहा जा सकता। कल्याणी छोड़ के चली जाती है, शहर जाती है, वहां अपनी सहेली से मिलती है और एक हॉस्पिटल में उसको काम मिल जाता है, वहां काम करने लग जाती है। और यहां पर उसको देखरेख की जिम्मेदारी मिलती है एक मानसिक रोगी महिला जो बहुत ही बदतमीज और बदमिजाज है, उसकी सेवा में कल्याणी किसी तरह से लग जाती है। फिर खबर मिलती है कि कल्याणी के पिताजी की
मृत्यु हो गई है, कल्याणी उन्हें देखने जाती है, फिर बहुत दुखी मन से वो लौट कर आती है। तभी वह महिला जिनकी ये देख रेख किया करती थी वो इसे बुलाती है और कि उसको और कहती है कि उनके पति आने वाले हैं तो चाय लेके आना। कल्याणी जब चाय लेकर के आती है तो देखती है कि उसका पति और कोई नहीं बल्कि विकास बाबू हैं जो उसके भी पति रहे हैं। और उसी प्रकरण में विकास बाबू कल्याणी को नहीं देख पाते, वह महिला देख लेती है और वह महिला बहुत बुरा भला कहती है और वह हाथ उठाती है और बहुत बदतमीजी से पेश आती है और कहती है चाय लेकर आ। यहाँ पर कल्याणी जाती है, एक तो उसके पिता की मृत्यु हुई है उसी दिन, दूसरे उसने अपने पति को देखा है जो उसके पति न हो सके कभी भी, तीसरी ये बददिमाग महिला है जो अपने पति को बहुत परेशान करती है। यह सब देखते हुए कल्याणी के मनोभाव को दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से निर्देशन ने लाइट और साउंड के माध्यम से दिखाया है कि वो कप की प्याली, वो जहर की बोतल, साथ साथ में वेल्डिंग की चिंगारियां और लोहा पीटने की आवाज, ये सब जोड़ के कल्याणी के मनोभाव को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। और उसके बाद ऐसा पता चलता है कि कल्याणी ने उस महिला को जहर दे दिया है और उस महिला की मृत्यु हो जाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कल्याणी ये कबूल कर लेती है कि यह हत्या उसी ने की है और इसके बाद वो जेल चली जाती है। इस तरह से जेलर को पता चलता है कि कल्याणी ने क्या किया। फिर भी वो समझाता है कि बीता हुआ कल होता है, परिस्थिति जन्य होता है, इसलिए उससे आगे बढ़ करके देवेंद्र बाबू के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इधर देवेंद्र बाबू जाते हैं और उधर जेल में एक क्रांतिकारी आता है जिसे फांसी की सजा है, और उस जेल के सीन को दिखाया गया है जहां हंसते हंसते एक क्रांतिकारी फांसी के फंदे को गले लगाता है। और इस यात्रा में एक गीत है जो बहुत ही खूबसूरत है, देशभक्ति का गीत, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। यहां भी कमाल देखिए, एक तरफ उस क्रांतिकारी की माता है जो जेल के गेट पर खड़ी है और रो रही है, और दूसरी तरफ देश गुलाम है और भारत माता है जो रो रही है, और वो क्रांतिकारी कह रहा है मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, तेरे बहुत बेटे हैं वो देश को आजाद कर ही लेंगे। बहुत ही शानदार लाइनें हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं कि फिर जन्मूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा, उन्नत भाल हिमालय पर जब लहराएगा तरंग तिरंगा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। जन्म भूमि के काम आया मैं, बड़े भाग है मेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। फिर जन्मूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा, उन्नत भाल हिमालय पर जब लहराएगा तिरंगा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। इसके बाद जेलर साहब कल्याणी को समझाते हैं, कल्याणी का एक आवेदन है जो उसकी जेल की सजा को कम करने के लिए भेजा जाता है, जो स्वीकार हो जाता है और कल्याणी जेल से छूटने वाली होती है। कल्याणी भी मान जाती है और वो इस बात को स्वीकार कर लेती है कि उसे देवेंद्र के साथ अपना नया जीवन शुरू करना है। इधर कल्याणी तैयार हो जाती है देवेंद्र से विवाह करने के लिए, और जेलर बाबू वार्डन को साथ भेजते हैं कि वह उसे देवेंद्र के घर पहुँचा करके आए। यहाँ कल्याणी चलती है और वो एक ऐसे जंक्शन पे पहुँचते हैं जहाँ पर एक तरफ रेल का स्टेशन है और दूसरी तरफ स्टीमर का स्टेशन है जो नाव से दूसरी तरफ जाता है। वहाँ कल्याणी और वार्डन इंतज़ार कर रहे होते हैं, यहाँ ये लोग अपने जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वहाँ कुछ लोग कोई लोक गायक एक गीत गा रहे होते हैं। यह गीत गाया है स्वयं सचिन देव बर्मन ने, ओ मेरे माझी, बहुत ही बढ़िया निर्गुण है। ये भगवान को कह रहे हैं कि ले चल पार मेरे साजन है उस पार। और प्रासंगिकता देखिए कि यहाँ भी इसके साजन जो है वो उस तरफ है, या वो देवेंद्र हैं या वो विकास बाबू हैं, ये किसी दूसरे तरफ हैं, और कल्याणी यहाँ पर बोल रही है कि इस बार ले चल पार।
तो बहुत बढ़िया बन पड़ा है दोनों लेयर्स पर ये गीत। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। वार्डन कुछ खाने का इंतजाम करने जाती है तो कल्याणी किसी के खांसने की आवाज सुनती है, उत्सुकता बस देखती है तो वहां पर विकास बाबू हैं जो बीमार हैं और वो खांस रहे होते हैं, उन्हें वो दवा वगैरह देती है और विकास बाबू उससे माफी मांगते हैं, कहते हैं कि वह चाहते हैं कि वह उसकी उसका जीवन मंगलमय हो। कल्याणी से यही मुलाकात होती है विकास बाबू के सहायक की और वो सहायक बताता है कि विकास बाबू का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, वह किसी से प्रेम करते थे लेकिन उन्हें मजबूरी वश देश की आज़ादी के कारणवश उन्हें पार्टी के दबाव में किसी और से विवाह करना पड़ा जिससे पुलिस के कुछ भेद उन्हें पता चल सकते थे। इस तरह से विकास बाबू ने देश प्रेम में अपने प्रेम का न्योछावर कर दिया। विकास बाबू बहुत बीमार रहने लग गए थे और अंतिम समय वो अपने गांव में बिताना चाहते थे और वहां जा रहे थे। कल्याणी के मन की दुविधा बहुत बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है। कल्याणी वापस आती है ट्रेन की तरफ और उसका मन बहुत बेचैन है, उसे किस तरफ जाना है, एक तरफ देवेंद्र है एक तरफ विकास बाबू है, और फिर वो निर्णय लेती है और निर्णय लेकर के भागती है स्टीमर की तरफ जो अब छूटने ही वाला था। आखिरी मौके पर वो स्टीमर में चढ़ जाती है और वहाँ विकास बाबू के गले मिल जाती है और फिर ये गीत चलता है, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। तो ये देखिए कि कल्याणी क्या बंदिनी है, अगर भौतिक रूप से देखें तो वो बंदिनी होती है, वो जेल में बहुत दिनों तक बंदिनी रहती है, लेकिन मन से भी वो बंदिनी है, अपने प्रेम की बंदिनी है, वो बंधनों में बंधी हुई है। उस जमाने में देखें तो पति परमेश्वर हुआ करता था, उस परिवेश से बंधी हुई कल्याणी जिसकी तरह एक तरफ एक डॉक्टर उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार है, वहां जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी है, लेकिन फिर भी जब उसका वास्तविक प्रेम और उसके वास्तविक पति जब सामने नजर आते हैं तो वो निर्णय लेती है क्योंकि वो परंपराओं से जुड़ी हुई है। तो इसमें वो परंपराओं की बंदनी है, वो रूढ़ियों की बंदनी है, वो अपने प्रेम की बंदनी है। इस फिल्म में कल्याणी न सिर्फ भौतिक रूप से बंदनी है बल्कि बहुत तरीकों से वह बंदनी है, भावनाओं से, रीतियों से, रिवाजों से, समाज से। बंदनी फिल्म को बने हुए बहुत साल हो गए हैं और इतने सालों में भी क्या बदला है, आज भी हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं उसी तरीके से बंदनी है, और वही बंदनी नहीं शायद हम भी बंदी है अपने विचारों के, अपनी रूढ़ियों के, अपनी रीतियों के, अपने रिवाजों के, और शायद यही जिंदगी है। कल्याणी का एक तरफ बंदनीपन है तो एक तरफ उसके पास चुनाव है कि वह चुन सके कि वह किस तरह का जीवन जीना चाहती है। तो एक तरफ आजादी है चुनने की और एक तरफ मानसिक बंदनी है, वह क्या निर्णय लेगी, इसी द्वंद्व को दर्शाती हुई यह कहानी है।
यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, हो जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, तो मेरे रंग गए सांझ सकारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, हो तो से मिलना ही जुल्ब भयारे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे,